विधानसभा चुनाव होने हैं तो क्या विधानसभा चुनाव अपने तीन एमएलए चुन के आने वाले, वो चौथा या पांचवा कैसा करने का है इसकी मैं सोच रहा हूँ। क्या क्या करना पड़ेगा वो देख रहा हूँ, उसकी चिंता मत करो। अपने तीन एमएलए चुन के आने वाले, वो चौथा या पांचवा कैसा करने का है इसकी मैं सोच रहा हूँ। क्या क्या करना पड़ेगा वो देख रहा हूँ, उसकी चिंता मत करो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, हाल ही में बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर ने एक बड़ा बयान देते हुए ये कहा था कि हमारे तीन एमएलए चुनकर आ रहे हैं और चौथा और पांचवा कैसे आएगा वो मैं देख रहा। ये बयान हमने आपको आगे जो हमने खबर चलाई थी एक उसमें दिखाया था, पर इस खबर में भी अपने अभी आगे सुना है। तो हितेंद्र ठाकुर का यह बयान उनके विश्वास नहीं बल्कि अति आत्मविश्वास को दर्शाता है, और एक पार्टी के सर्वे सर्वा होने के नाते उनका यह आत्मविश्वास बनता भी है। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन हर पार्टी ये दावा करती है कि हम मजबूती से उभरेंगे। अब सवाल यह उठता है कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि तीन विधायक भी क्या चुनकर आएंगे। तो इसके पीछे का बड़ा कारण है बहुजन विकास आघाड़ी नाम की जो गाड़ी है उसके दो पहिए, एक पहिया विधायक हितेंद्र ठाकुर और दूसरा पहिया पूर्व महापौर, प्रथम महापौर कामगार नेता राजीव पाटिल। पिछले कई सालों से बहुजन विकास आघाड़ी लगातार वसई बल्कि पूरे पालघर जिले में अपना वर्चस्व कायम कर चुकी है। बहुजन विकास आघाड़ी के इस वर्चस्व में जितना योगदान बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर का है, उतना ही योगदान प्रथम महापौर राजीव पाटिल का है। ऐसा बताया जा रहा है कि राजीव पाटिल इस समय पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कई दिनों से इस तरह की बातें खबरें चल रही थी लेकिन उनकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। अब कुछ ऐसा मंजर लोगों ने देखा है कि ये जो बातें हैं, ये चर्चाएं काफी तेज हो चली है और कहीं ना कहीं इस चर्चा पर लोगों का ध्यान आकर्षण हो चुका है। दरअसल आप विजुअल्स में देख सकते हैं, नाला सुपारा अंतर्गत एक नहीं दो नहीं तो कई ऐसे बैनर लगाए गए हैं जिसमें प्रथम महापौर राजीव पाटिल को कामगार नेता बताया गया है और साथ ही साथ प्रथम महापौर उसमें घोषित किया गया। इस बैनर में आपको कहीं पर भी बहुजन विकास आघाड़ी लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा और ना ही बहुजन विकास आघाड़ी के किसी और नेता की तस्वीर भी आपको दिखाई देगी। ये बैनर, ये पोस्टर नाला सुपारा में लगे हैं। हाल में नवरात्रोत्सव जारी है और उसकी शुभकामना का ये बैनर है। ये बैनर राजीव पाटिल की ओर से लगाए गए हैं और इसमें बहुजन विकास आघाड़ी का नाम नहीं होना खुद इस बात की गवाही देता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो शायद बहुजन विकास आघाड़ी के लिए नहीं होना चाहिए था या पहले जो कभी नहीं हुआ वो अब हो चुका है। क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया जब राजीव पाटिल के बैनर पर राजीव पाटिल के सिवाय किसी और का, विशेषकर बहुजन विकास आघाड़ी सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर का भी पोस्टर न हो। हाल के समय में गणपति उत्सव गया, उसके बाद 1 अक्टूबर को राजीव पाटिल का जन्मदिन था और 3 अक्टूबर को वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर का जन्मदिन था। इन दोनों ही नेताओं के लिए इनके लोगों ने शहर में कई पोस्टर लगवाए, उसमें भी कई बार हमने ये गौर किया कि कुछ पोस्टर में दोनों नेताओं के पोस्टर फोटो दिखाई दिए लेकिन कुछ आधे पोस्टर ऐसे थे जिसमें लोग सिर्फ
विधायक हितेंद्र ठाकुर अप्पा को ही उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। नाना यानी राजीव पाटिल को कोई बधाई नहीं दे रहा था। ऐसे भी काफी बैनर थे। तब भी यह सवाल विचार मन में जरूर आ रहा था कि ऐसा क्यों। लेकिन अब जब राजीव पाटिल की तरफ से इस तरह के बैनर लगाए गए तो ये बात जाहिर हो चुकी है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग खिचड़ी पक रही है। और साथ ही साथ आज लोकसत्ता अखबार के वेब ने एक खबर अपने वेब में चलाई है। उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि राजीव पाटिल बहुत जल्द बहुजन विकास अघाड़ी का साथ छोड़ देने वाले हैं। और राजीव पाटिल जो खबर लोकसत्ता ने चलाई उसमें लोकसत्ता ने यह भी लिखा है कि राजीव पाटिल का यह कहना है कि महाराष्ट्र के दोनों ही गठबंधन चाहे महायुति हो चाहे महाविकास अघाड़ी हो दोनों राजीव पाटिल के संपर्क में हैं। और अभी राजीव पाटिल फिलहाल किस ओर जाएंगे उन्होंने पत्ते खोले नहीं। अब ये सब क्यों हुआ, इसकी नौबत क्यों आई, तो इसके पीछे जो बातें कही जा रही वो कुछ ऐसी कही जा रही कि राजीव पाटिल ने बहुजन विकास अघाड़ी सर्वेसर्वा विधायक हितेंद्र ठाकुर के साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को आगे बढ़ाया। पार्टी ने उन्हें कई मौके दिए, कई बार वो अलग अलग पद पर पार्टी में रहे। अभी तक फिलहाल कार्याध्यक्ष थे और पार्टी की ही वजह से या उन्होंने जो अपना एक वर्चस्व बनाया तो वैसे ही में प्रथम महापौर की तरह महापौर भी चुने गए। लेकिन उसके बावजूद वैसे ही तालुका से बाहर की राजनीति में कभी राजीव पाटिल का पदार्पण नहीं हो पाया। और राजीव पाटिल चाहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में जब वो 65 के आसपास पहुंच चुके हैं तो उम्र के इस पड़ाव में अब उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है। और माना यही जा रहा है कि राजीव पाटिल बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले विधानसभा चुनाव की दावेदारी पेश कर सकते हैं। हालांकि राजीव पाटिल ने अपने जो बैनर लगाए हैं उसमें बहुजन विकास अघाड़ी का जिक्र नहीं है, तो बीजेपी या कांग्रेस या महाविकास अघाड़ी या महायुति का भी उन्होंने जिक्र नहीं किया है। आधिकारिक तौर पर अभी तक राजीव पाटिल ने अपने पत्ते भले ही नहीं खोले, लेकिन यह बात साफ जाहिर हो गई कि कहीं ना कहीं राजीव पाटिल जो है इस समय बहुजन विकास अघाड़ी से किनारा कर रहे हैं। तो हम फिर लौटते हैं उन्हीं शब्दों पर जो शब्द बहुजन विकास अघाड़ी सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकुर ने दिए थे कि हमारे 3 एमएलए चुनकर आ रहे हैं, चौथा और पांचवा कैसे आएगा मैं देख रहा हूं। तो इन शब्दों को अगर तोलेंगे तो राजीव पाटिल जो कि एक पार्टी में कद्दावर नेता है ही साथ ही साथ बहुजन विकास अघाड़ी अंतर्गत राजीव पाटिल दूसरे नंबर के नेता है, और अगर राजीव पाटिल बहुजन विकास अघाड़ी से अलग होते हैं तो उस दशा में पार्टी की पूरी दिशा ही बदल जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है और संभावना दिखाई भी दे रही है। यहां तक कि बहुजन विकास अघाड़ी के कई नगर सेवक नगर सेविकाएं भी शायद बहुजन विकास अघाड़ी का साथ छोड़ दे। राजीव पाटिल एक प्रतिष्ठित व्यापारी भी है और कई लोगों से राजीव पाटिल के अपने राजनीतिक व्यापारिक और पारिवारिक रिश्ते ऐसे मजबूत है कि अगर राजीव पाटिल पार्टी से अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुजन विकास अघाड़ी को बड़ा झटका दे सकते हैं। हाल ही में हमने देखा और सुना भी, खबर भी सामने आई कि बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व सांसद बलिराम जाधव के भाई उन्होंने भी पार्टी से रिजाइन कर दिया और वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में बहुजन विकास अघाड़ी के सामने चुनौतियां काफी है। अब बात करते हैं, अगर बहुजन विकास अघाड़ी के सामने तो चुनौतियां है ही, लेकिन अगर क्या राजीव पाटिल चुनाव के मैदान में खड़े रहते तो उनकी राह आसान है, तो यह सवाल भी एक काफी टेढ़ा
इसका जवाब भी काफी टेढ़ा है, क्योंकि चाहे कितना भी हो बहुजन विकास आघाड़ी जो पार्टी है उस पार्टी से टूटकर राजीव पाटिल जरूर पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन राजीव पाटिल जिस किसी पार्टी में जाएंगे क्या वहां लोग उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे? यहां ज्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी राजीव पाटिल को एक्सेप्ट कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी आला कमान चाहे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वसई विरार अंतर्गत जो लोकल पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी है, जो हमेशा हर समय बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ खड़े रहते हैं, क्या वो चाहेंगे कि बहुजन विकास आघाड़ी से निकले हुए नेता ही आए और यहां चुनाव लड़े? साथ ही साथ अगर राजीव पाटिल भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो नेता, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में इस समय एक नहीं दो नहीं कई ज्यादा विधानसभा इच्छुक उम्मीदवार है, जिसमें राजेंद्र नाईक प्रमुखता से उनका नाम है, दूसरे नंबर पर भरत राजपूत उनका नाम भी सामने आ चुका है, भावी उम्मीदवार वो भी घोषित अपने आप को कर चुके हैं, गाहे बगाहे संजय पांडे है वो भी खुद अपने आप को इच्छुक उम्मीदवार ऐसा दर्शाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी में ही भारतीय जनता पार्टी में ही एक से अधिक लोग इच्छुक उम्मीदवार है। राजन नाईक पिछली बार भी इच्छुक उम्मीदवार थे और पिछली बार पार्टी ने गठबंधन के तौर पर सीट छोड़कर शिवसेना को दी थी, उस समय राजन नाईक को मनाने के लिए पार्टी को कई दिनों तक संघर्ष करना पड़ा था, हालांकि तब पार्टी का अपना कैंडिडेट नहीं था तो पार्टी को इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए इस बार ऐसी उम्मीद है कि नाला सुपारा से भारतीय जनता पार्टी अपना ही उम्मीदवार उतारना चाहेगी। ऐसे में जिस प्रकार से अगर राजीव पाटिल नाना भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर जाते हैं और वो वहां से अपने दावेदारी रखते हैं, तब पार्टी के लिए भी उन्हें उतारना आसान नहीं होगा। जितने बैनर लगे हैं वो ज्यादातर नाला सुपारा में लगे हैं, वसई में ऐसा एक भी बैनर दिखाई नहीं दिया, ना ही विरार की हमें कोई जानकारी मिल पाई। इस सब मसले पर हमने ये सोचा कि एक बार राजीव पाटिल नाना से बात की जाए, तो हमने फोन लगाया था, लेकिन राजीव पाटिल नाना हमारे फोन पर उपलब्ध नहीं थे, उनका हमें इस पर प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। फिर भी जो सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है और कहीं जैसे लोकसत्ता ने भी, लोकसत्ता के हवाले से भी ये खबर आई कि राजीव पाटिल भी विधानसभा चुनाव लड़ने के पूरे पूरे इच्छुक उम्मीदवार इच्छुक है, और इसी कारण राजीव पाटिल बहुजन विकास आघाड़ी को टाटा बाय बाय कहने वाले। तो देखा जाएगा आने वाले चुनाव में या चुनाव के पहले। इतना हमने कहा, लेकिन ये बात आप सभी जानते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर, उनकी अपनी शैली है, और चाहे फिलहाल राजीव पाटिल नाराज भी हो, बहुजन विकास आघाड़ी सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर ये नहीं चाहेंगे कि राजीव पाटिल अपनी पार्टी छोड़ दे, तो मान मनोहर करके कैसे भी उन्हें मनाने की कोशिश पूरी तरह से हितेंद्र ठाकुर द्वारा की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अगर राजीव पाटिल पार्टी छोड़ देते हैं तब बहुजन विकास आघाड़ी की पार्टी के भविष्य पर काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर लग जाएगा। हमने महाराष्ट्र राज्य में देखा है, महाराष्ट्र राज्य में दो बड़ी पार्टियों में टूट हुई, पहले शिवसेना और उसके बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और टूट होने के बाद में दोनों की दोनों पार्टियां, शिवसेना की दोनों पार्टियां या राष्ट्रवादी की दोनों पार्टियां अपने दम पर सक्षम नहीं रह पाई। हाँ, ये बात अलग है कि किसी के साथ गठबंधन करके वो जरूर किसी के साथ गठबंधन में रह के जरूर वो मजबूत हो सकती है,
लेकिन जिस तरह से अपने दमखम पर शिवसेना एक समय में मजबूत हुआ करती थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मजबूत हुआ करती थी, दोनों ही की दोनों पार्टियों में, दोनों ही गुटों में अब वो मजबूती नहीं है। अगर आने वाले दिनों में बहुजन विकास आघाड़ी भी इस तरह से अगर टूट का शिकार होती है, तब फिर पार्टी पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो देखेंगे क्या कुछ होता है आने वाले समय में। इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे। आज की खबर आपका, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी क्या राय है ये कमेंट ही हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। अभी के लिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।